प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा? हमने देखा शोकते देखा, खुशी से देखा है। तो ऐसा हमने आज थोड़ी पीएम देखा भी नहीं है। आपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी, सोना लगा। ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। मेरे देश की शान है, मेरा मुल्क की शान है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की शान है। ये मेरे एक किसी की शान नहीं, किसी एक कुंभे की शान नहीं, किसी एक व्यक्ति की शान नहीं। ये पूरी जो इंसानियत है हिंदुस्तान की, सब इंसानियत की शान बनी है। ये ऐसा पीएम मोदी जैसा पीएम को आया ही नहीं गया हिंदुस्तान में। 65 साल हमारी उम्र है, मगर मेरा खून भी जज्बे में आ गया है। मेरा खून इतना भाग्या है कि मैं भी जोश में, मैं 12 साल का जवान समझता हूँ अपने आप को इस पीएम को देखने के लिए, इसका ये सलाब देखने के, मोदी को देखने के बाद देखने के जोश आ चुका है, इसकी हुकूमत ही देखने के लिए इसका शौक बढ़ गया। और मैं 12 साल का जवान समझता हूँ इस वक्त अपने आप को। मेरा खून ताप गया है, भाग गया है, हम में भाग का जो जोश है ना, वो हमें जोश आ गया। 12 साल का नौजवान समझता हूँ मैं अपने आप को इस वक्त। पीएम ऐसा हो गया नहीं देश में, ना आएगा ना आना है कोई। ये हम दावे से कहते हैं, काले कानून वाले लोगों ने हमको सताया था, आज तक हमको दब कर रखा था, दबा कर रखा था, पीस कर। खानदानी व राज, खानदानी राज हो रहा था, राजवाड़ा हो रहे थे छोटे छोटे, तो इन्होंने चुन चुन के खानदानी राजों को ख़त्म किया। इन लोगों ने दबदबा बना कर रखा था, लेकिन इसने वो दबदबे वाले लोग भी पीस दिए। उनको पता ही नहीं रहा जे क्या कौन आया है देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, सब सिखा कर रखा है। पूरी वर्ल्ड को मेरे अंदाजे सब सीखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से। एमबी स्टेडियम में जन सलाब इस कदर आम जनता का देखने को मिला, जहां पर आम जनता को जो है वो जगह भी नहीं मिली। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आम जनता से रूबरू भी किया, बातचीत भी की। रैली खत्म हो चुकी है, आम जनता का क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को संबोधित किया है, कई सारे तोहफे जम्मू कश्मीर को दिए है, आम जनता से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा? हमने देखा शोकते देखा, खुशी से देखा है। तो ऐसा हमने आज थोड़ी पीएम देखा भी नहीं है। आपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी, पीएम ऐसा हो गया नहीं देश में, ना आएगा ना आना है कोई। ये हम दावे से कहते हैं कि सब लोगों का काम कर रहा है, सब लोग खुश हैं इस पर। इतनी जनता इसके लिए, जो एक बने समुंदर है तो एक बने गिलास ने क्या करना है, गिलास का पानी ने क्या करना है, एक बने समुंदर बह रहा है हमारे मोदी जी का। इससे पहले कभी देखा था? मैंने 2-3 बार 4 बार देखा है, 5 बार देखा है मैंने। मैंने देखा फेस टू फेस देखा है, मैंने फेस टू फेस देखा, तो मैंने फेस टू फेस खुशियां मनाई हैं। जम्मू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, दूसरी बार देखा है प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, सोना लगा। ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। मेरे देश की शान है, मेरा मुल्क की शान है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की शान है। ये मेरे एक किसी की शान नहीं, किसी एक कुंभे की शान नहीं, किसी एक व्यक्ति की शान नहीं। ये पूरी जो इंसानियत है हिंदुस्तान की, सब इंसानियत की शान बनी है। ये ऐसा पीएम मोदी जैसा पीएम को आया ही नहीं गया हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर की आम जनता को तोहफे दिए हैं, किस तरीके से देखते हैं? एम्स दिया जो ये अनगिनत है, ये हम अगर गिनने के लिए बैठेंगे तो 7 दिन आप ही इंतजार करो हमारा, कि कितने तोहफे दिए हैं इन्होंने, कितने लोगों को उबारा दिया। मैं 65 साल हमारी उम्र है, मगर मेरा खून भी जज्बे में आ गया है। मेरा खून इतना भाग्या है कि मैं भी जोश में, मैं 12 साल का जवान समझता हूँ अपने आप को इस पीएम को देखने के लिए, इसका ये सलाब देखने के, मोदी को देखने के बाद देखने के जोश आ चुका है, इसकी हुकूमत ही देखने के लिए इसका शौक बढ़ गया। और मैं 12 साल का जवान समझता हूँ इस वक्त अपने आप को। मेरा खून ताप गया है, भाग गया है, हम में भाग का जो जोश है ना, वो हमें जोश आ गया। 12 साल का नौजवान समझता हूँ मैं अपने आप को इस वक्त। इस वक्त हम बहुत जोश में हैं। तो मैं इसकी योजना देख के, इसकी कारकिर्दगी देख के मुझे रोन भी आता है कि कैसे लोगों ने, कैसे काले कानून वाले लोगों ने हमको सताया था, आज तक हमको दब कर रखा था, दबा कर रखा था, पीस कर। खानदानी व राज, खानदानी राज हो रहा था, राजवाड़ा हो रहे थे छोटे छोटे, तो इन्होंने चुन चुन के खानदानी राजों को ख़त्म किया है। तो लोगों के लिए जमहूरियत बनाई है हमारे इंडिया में, हमारा हिंदुस्तान में जमहूरियत की एक सदा खली हो गई है। हमारे लिए भी एक सदा खली हुई, जो हम छड़े हुए लोग थे, मारे हुए लोग थे, लताड़े हुए लोग थे, बेसहारे लोग थे हम, गुजर लोग, जंगलों में जाड़ू में जिंदगी कैसे बसर करते, कोई गोलियों वाले, कोई पत्थर वाले, कोई डराने और धमकाने वाले। इन लोगों ने दबदबा बना कर रखा था, लेकिन इसने वो दबदबे वाले लोग भी पीस दिए। उनको पता ही नहीं रहा जे क्या कौन आया है देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, सब सिखा कर रखा है। पूरी वर्ल्ड को मेरे अंदाजे सब सीखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी जैसा
प्रधानमंत्री, मैं फिर दावे से कहता हूँ देश में कोई आएगा ना आया है। 2024 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप, क्या लगता है कि इस रैली के बाद कितना बदलाव होगा और 2024 चुनावों में कितना इफेक्ट जो है वो इस रैली का पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या देखते हैं? आने वाले चुनाव में तमाम जनता का मूड है कि वो राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर को मुख्य रखते हुए ये जो चुनाव है ये बड़े लक्ष्य पर होगा और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी 400 पार का जो नारा है वो 400 पार करेंगे और नई गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनेगी। क्या लगता है इस समय कांग्रेस पार्टी टक्कर में देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं है खासकर J&K में, तो जो इस वक्त जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है। मोदी जी बड़े मजबूत ढंग से इस इलेक्शन में जीतेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। MA स्टेडियम में जो जलसा हुआ, रैली हुई, उसमें बैठने की तो कहीं कह नहीं सकते, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना जनसैलाब जनता का श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आया था। नरेंद्र मोदी जी मंदिरों के शहर में आए, किस तरीके से देखते हैं? मंदिरों के शहर जम्मू में मोदी जी का हमने वेलकम किया और हमें पूरा भरोसा है मोदी जी पे, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम ऐसी बात नहीं है कि हम मोदी जी की किसी भी बात से नाराज़ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी अपनी पूरी मतलब भाषण में 2014 में जब पहली बार आए थे उस समय जितनी संख्या थी इस बार उसे डबल ट्रबल ट्रबल उससे भी ज़्यादा 400 का जो नारा लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, 400 से ऊपर सीटें जा सकती कि जितना इतनी पूरी लाइफ में मैंने इतना क्राउड नहीं देखा है और हम मोदी जी से पूरा सेटिस्फाई है। विश्व गुरु भारत बनेगा, अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के शहर पहुंचे, जम्मू कश्मीर की आम जनता को तोहफे दिए, इस रैली के बाद कितना बदलाव देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होगा, होगा भी या नहीं होगा, किस तरह? इंशाल्लाह बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, औजु बिललाहि मिनश शैतान रजीम। मोदी साहब का नारा है इंशाल्लाह अगले बार भी मोदी साहब होगा, इंशाल्लाह प्रधानमंत्री होगा इंशाल्लाह। इसने काम किया बहुत ही अच्छा, हर गरीबों का, शहरों का, मिस्किनों का, कोई भी काम चाहे आए हुए शाड़ हो चाहे गरीब मस्किन हो, किसी का भी काम हो, मतलब राशन फ्री, जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने बस सिर्फ लूटे हैं, बाकी कुछ नहीं। जो मोदी साहब है बिल्कुल सच्चा है और मैं इंशाल्लाह इसकी सब शुक्रगुजार हूँ बहुत। बाकी अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल रहेगा, पक्ष दल ये कह रहा है कि राम मंदिर वोट बैंक के लिए किया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, राम मंदिर के उसके लिए नहीं किया है, वो तो मतलब जेन्युइन था, बनाना था इंशाल्लाह। इसमें तो चाहे मस्जिद बने या राम मंदिर बने, राम मंदिर से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय बढ़ गई है? नहीं, ऐसे भी बहुत थी, उससे भी बगैर भी ज्यादा थी, उसने काम अच्छा किया है, बिल्कुल बढ़िया। जम्मू कश्मीर में चाहे पूरा कन्याकुमारी तक उसने काम बहुत अच्छा किया ना, वो खाते हैं देखो अकेले हैं, माँ की आशीर्वाद है उनके साथ, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। कितना तारीफ करूँ तो सालों साल लगेगा इंशाल्लाह। कई आम जनता उनको भगवान का दर्जा दे रही है, आप अल्लाह को मानते हैं, कोई भगवान को मानता है तो कोई भगवान का उनको दर्जा दे रहा है, आप किस तरीके से? देखो जी, सबसे बड़ा तो अल्लाह है, उसको मानना ज़रूरी है क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह से नीचे गवर्नमेंट है, तो मैं भी उसका शुक्रगुजार हूँ क्यों वो हर गरीबों का, मिस्किनों का, जो पहली गवर्नमेंट थी वो ऐसे नहीं सुनती थी, उन्होंने खजाने लूटे हैं, अपने घर बनाए हैं, ये तो नरेंद्र मोदी साहब जो भी काम करेगा काम अच्छा होता है। कांग्रेस पार्टी टक्कर में देखते हैं आप? नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नरेंद्र मोदी अगली बार 400 पार, मोदी सरकार में किसी पार्टी को देखते हैं आप कि नहीं? नहीं, सिर्फ मोदी, मोदी के जैसा कोई नहीं है, मोदी के जैसा कोई नहीं, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार मोदी सरकार, चाहे कश्मीर में किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जाओ, रविंद्र रैना साहब हर डिस्ट्रिक्ट में गया है। मैंने अपनी 70 साल के लाइफ में ये करिश्मा कभी भी नहीं देखा, और ख़ास करके जो हमारा पहाड़ी खिता है पीर पंजाल, उड़ी, करना, टांग ढार, बारामूला, टीटवाल से लेकर पुंछ, रजौरी से लेकर रुंगली धार, सुंडरबनी तक, जो खिता है पीर पंजाल के लोग के इतना आज उनमें खुशी की लहर है
कि जैसे कि हमारा आज दीपावली और ईद ईद का जैसे त्यौहार मनाया जाता है, ऐसी खुशी है हमारे में। करामत जी ने जैसे बताया कि 6 तारीख को हमने सारी ज़िंदगी के लिए पहाड़ियों ने ऐसे मनाना है कि जैसे हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। आज मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए सोचा है और हमारे बच्चे की बच्चे भी आगे उनके लिए सोचेंगे। और मैं पूरे युवा जम्मू कश्मीर की युवा को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि यहाँ J&K में या जम्मू में ही जमा पला हूँ, मैं इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है आप अपने अपने लोग युवा खास करके युवा लोग जुड़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। आपने कहा मोदी जी है तो मुमकिन है, किसी और को नहीं देखते, क्या कोई और नेता आएगा तो क्या जब वो आएंगे तो उनके आने के दौर में जब उनका टाइम पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, क्या उस टाइम पे इस तरीके के बदलाव जो किए गए हैं वो देखेंगे आप? देखिए ये जो मोदी जी की बात की है आपने कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई ऐसा नहीं है, उसके बाद वो अल्लाह जानता है कौन। इस समय आप किसी को भी नहीं देख रहे, किसी पार्टी के नेता को देख रहे हैं आप मुकाबले में टक्कर? जम्मू कश्मीर की पार्टियों को देखा है, परिवार वाद है, जिसका दादा है उसका आगे लड़का है, लड़के का पोतरा है, पोतरे का पोतरा लड़ता है, यहाँ पर किसी सेकंड लहर को कोई उठने नहीं देता है। मैं इसीलिए युवा लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जागरूक हो जाइए ताकि ये जो पुराने लोगों ने शिकायशाही मचाई है आप जागें और अपना अपने आप को प्लेटफार्म पर लाएं ताकि मुल्क के साथ आप नौजवान खड़े हो जाएं और इस मुल्क का नौजवान भविष्य है। और कम से कम हम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मोदी जी के लिए आपने कहा ये मुमकिन है, सवाल पैदा नहीं हो सकता था कि अगर मोदी ना होता जम्मू कश्मीर में ये विकास होता या ये रोज गोलियां चल रही। बारिश की बूंदें भी पड़ी लेकिन हमें स्टेडियम में आम जनता डटी हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अलग अलग इलाकों से अलग अलग जिलों से आम जनता हमें स्टेडियम में पहुंची और आम जनता का क्या कुछ कहना है रैली के बाद की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जहाँ पर आम जनता जो है यानी की कई लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा देते हुए नजर आया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पा शर्मा।